तो इसराइल में वॉर के बीचों बीच फंसे जो भारतीय हैं उनकी वतन वापसी के लिए आज से एक नए ऑपरेशन की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है और आज से अभियान की शुरुआत हो जाएगी और इस ऑपरेशन के जरिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट से भारतीयों को वापस अपने देश लाया जाएगा। इसराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इसराइल गाजा पर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं हमास की ओर से भी इसराइल पर अटैक हो रहा है। ऐसे में इसराइल में रह रहे कई भारतीय जंग के हालात में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इसराइल से लौटने को इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसराइल में अभी 14,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं और इनकी सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 लोगों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था। वहीं देखिए, हमास के आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए इसराइल की सेना कमर कस चुकी है। वाकई में जो गाजा बॉर्डर है वहां पर टैंक्स के साथ साथ सैनिकों की तैनाती है, तो वही एयर स्ट्राइक के जरिए इसराइल आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रहा है। हमास और गाजा के बीच शुरू हुई जंग में आसमान से मिसाइलें मौत बनकर बरस रही हैं। गाजा में तबाही का मंजर दिख रहा है, वहीं गाजा की ओर से भी इसराइल पर अटैक किया जा रहा है। इस जंग में अब तक 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल के अशदोद शहर में हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे, वहीं इसराइल ने हमास के 2600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। गाजा में हमास के ट्रेनिंग सेंटर पर भी इसराइल की ओर से बमबारी की जा रही है। इसराइल के हमले में गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, हर ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। इसराइल ने गाजा में ईंधन और पानी सप्लाई पर रोक लगा दी है। पावर प्लांट बंद होने से पूरा गाजा अंधेरे में डूब गया है, जिससे यहां घायलों को और अस्पताल के हालात को समझा जा सकता है। इसराइल हमास के बीच जारी जंग की पल पल की खबर पहुंचाने के लिए जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आसमान में फाइटर जेट्स की आवाज और बम धमाकों की गूंज के बीच जी न्यूज की जाबाज टीम वॉर जोन में मौजूद है। ये बॉर्डर है जहां पर इस वक्त जी न्यूज मौजूद है और यहां से मात्र 2700 फीट की दूरी पर गाजा शुरू हो जाता है। ये मेरे पीछे का पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी का हिस्सा है जहां पर हमास के आतंकी ठिकाने अभी मौजूद हैं, जिन्हें इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है, सेना है, लगातार उन्हें यहाँ निशाना बना रही है। जी न्यूज की टीम उस इलाके में भी पहुंची जहां अब हमास के आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जी न्यूज गजा बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। गजा पट्टी यहां से 2700 फीट की दूरी पर है और पूरी तरह से इस इलाके को इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले रखा है। आप देखिए, पुलिस फोर्स की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स यहां पर तैनात है और हर मिनट ये लोग नजर बनाए हुए, क्योंकि हमास के आतंकी इस इलाके में अभी भी छिपे हुए हो सकते हैं। इसराइल में गठित इमरजेंसी कैबिनेट जो है उसने धरती से गाजा का नाम मिटा देने की कसम खा ली है। तो वही हमास और इसराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री पर रूस और तुर्की जैसे देशों ने आपत्ति जाहिर की। पूरी खबर अगली रिपोर्ट में देखिए। हमास के खिलाफ जंग के बीच इसराइल में इमरजेंसी सरकार का गठन हो गया है। इसके तुरंत बाद ही इसराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा को चेतावनी दी है। मैं सभी से कह रहा हूं, हम हमास ISIS गाजा नामक इस चीज को धरती से मिटा देंगे, इसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे। वहीं इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। रूस ने जहां इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने इसराइल पर हमास के हमले को आतंकी हरकत करार दिया है। वहीं ईरान और तुर्की भी हमास के हमले को सही ठहरा रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट युद्ध में अमेरिका की एंट्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla
तुर्की ने जंग रोकने के लिए मध्यस्थता करने की बात भी कही है। तो वहीं बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 23 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 4 की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये ट्रेन हादसा बक्सर के रात करीब 9:35 पर रघुनाथपुरा रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हुआ जब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली से कामाख्या जा रही थी। तभी पॉइंट चेंज करने के दौरान अचानक ट्रेन के 23 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 4 डिब्बे बुरी तरह से डैमेज हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एक डिब्बा दूसरे डिब्बे पर चढ़ गया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से कामाख्या तक जा रही थी, वो ट्रेन आज जब डिरेल्ड हुई ब्रह्मपुर के रघुनाथपुर के पास, जो रघुनाथपुर स्टेशन का आउटर है, वहीं पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आप देख लीजिए, ये बॉगी है, एक बॉगी दूसरे बॉगी से टकरा गई थी। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेलवे के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बक्सर ट्रेन हादसे के बाद मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम से घटनास्थल में जो तमाम यात्री थे फंसे हुए, उन सबको तुरंत प्रभाव के साथ रेस्क्यू कर लिया। बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने ट्रेन में फंसे लोगों को निकाला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बक्सर रेल हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेन में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी ट्रेन से रवाना कर दिया गया है। महसूस हुआ ट्रेन ऐसी लग रही थी, ऐसे से होते होते बहुत तेज स्पीड में आई, मेरी बच्ची भी गिर गई नीचे से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रेल हादसे के बाद स्वास्थ्य और आपदा अधिकारियों से बात की और घायलों के इलाज के लिए बक्सर आरा पटना अस्पतालों को अलर्ट जारी किया। सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाईज जो है, चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी को जो है लगा दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुए हादसे की वजह क्या थी, रेलवे इसकी जांच करेगा। कि अभी जो हमारा प्रथम जो कार्य है वो है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना और जो पैसेंजर्स हमारे सुरक्षित हुए हैं उनको सुरक्षित आगे की यात्रा का बंदोबस्त करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक मिनट में देखिए पूरी खबर। अपने एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और 4,200 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ जिले के जोलिंग कोंग में पार्वती कुंड की पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध आदि कैलाश का भी आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के गुंजी गांव जाएंगे और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का आर्मी, आईटीबीपी और बीआरओ जवानों से भी मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में भी पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री अल्मोड़ा से वापस पिथौरागढ़ आएंगे और 4,200 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया और वसुधैव कुटुंबकम पर अपने विचार भी रखे। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया को यह सिखाना है कि विविधता में एकता नहीं बल्कि एकता में विविधता है। जितनी विविधता अपने देश में है वो सारी विविधता अपनी मूल एकता को ध्यान में रखते हुए परस्पर व्यवहार का उत्तम आदर्श दुनिया के सामने रखेगी। और मोहन भागवत ने कहा कि भारत का विचार वसुधैव कुटुंबकम है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन आर्थिक विचारों वाला सम्मेलन है, लेकिन भारत के वसुधैव कुटुंबकम के विचारों की भावना ने G20 शिखर सम्मेलन को भी मानवीय बना दिया। G20 जो मुख्यतः एक आर्थिक विचार करने वाली परिषद होती है, उसको हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना देकर मानवों का विचार करने वाली परिषद। मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ संविधान से नहीं अपनी संस्कृति की वजह से हम सेक्युलर हैं।
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने दो दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। एक मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जाएंगी और पार्वती भवन और स्काई वॉक का लोकार्पण करेंगी। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्काई वॉक का निर्माण कराया है। स्काई वॉक को बनाने में 15 करोड़ की लागत लगी है, जिसे पुराने रास्ते से 20 फीट ऊपर बनाया गया है। स्काई वॉक की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्काई वॉक पर बीच बीच में बेंच और LED स्क्रीन भी लगाई गई है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर श्रीनगर पहुंची, जहां राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीनगर में चिनार युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने उत्तरी कमान प्रमुख और सेना के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया।